तो चलो भाई, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं WWE 2K17 में माई प्लेयर का करियर मोड, और ये उसका एपिसोड नंबर 3 है। तो ट्रिपल एच ने ऑब्जेक्टिव ये दिया है कि हील सुपरस्टार के मैच में रन इन करना है और पूरी मदद करनी है उसकी और उसको जिताना है, जो कि अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ने कॉमेंट करके बोला था भाई कि अथॉरिटी को अभी ज्वाइन नहीं करूँ। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं स्टारडस्ट के साथ मैच। लेकिन अगर इस मैच के बाद भी मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी, टैग टीम चैंपियनशिप में मेरी रैंकिंग 5 पे हूँ मैं, मतलब कंटेंडर्स की अगर लिस्ट देखोगे तो अभी तक मैं और जेडन जो कि मेरा टैग टीम पार्टनर है उसकी लिस्ट भाई अभी 5 पे। पता नहीं यार हम लोग क्यों कंटेंडर नहीं बन रहे, जबकि मैं लगातार अभी सारे मैचेस जीत रहा हूँ, चाहे वो सिंगल्स मैच हो या फिर टैग टीम मैच हो। तो अगर इस मैच के बाद भी मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी तो मैं सोच रहा हूँ कि अथॉरिटी के थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके यार थोड़ा सा उन लोगों का फेवर ले लूँ। आप लोग जानते हो मेरा टेक्निक जो कि 2K18 में भी था कि जैसे ही मैंने अथॉरिटी को ज्वाइन कर लिया थोड़ी सी उन लोग की हेल्प ले ली, लेकिन बाद में यार जाके उन लोग के साथ गेमबाजी कर दी थी। याद है ना 2K18 का करियर मोड में ऐसा किया था मैंने। तो चलो देखते हैं, अगर इस मैच के बाद भी मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी तब मैं सोच रहा हूँ कि अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टीम अप कर लेंगे और मौका मिलेगा भाई, मौका मिलते के साथ धोखा दे देंगे। और जैसा आप देख सकते हो कि रॉकी यानी कि जो मेरा प्लेयर है, जो लोग फर्स्ट टाइम ये एपिसोड देख रहे हैं भाई और जो पहले से देख रहे हो वो लोग तो नाम जानते ही हैं कि रॉकी इसका नाम है। तो इसको मैंने अटायर चेंज कर दिया है, फिनिशर्स चेंज कर दिए हैं भाई, सिग्नेचर चेंज कर दिया है। देखो फिनिशर और सिग्नेचर में आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि भाई फिनिशर ये दे सिग्नेचर ये दे, लेकिन पॉइंट क्या है ना कि फिनिशर सिग्नेचर ज़्यादा लेने का ऑप्शन है नहीं गेम के अंदर। पीछे रॉकी अच्छा लग रहा है ना, स्टार के ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे में चेंज करते रहूँगा अटायर, अभी टेंशन मतलब अभी तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम अटायर चेंज कर रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट दो एपिसोड से बोल के रखा था कि मैं चेंज करूँगा, लेकिन फाइनली आज चेंज कर दिया है, एंट्रेंस भी चेंज कर दिया है। रॉकी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आता था, जबकि अभी फेस सुपरस्टार है भाई, तो अभी ठीक है, अभी सीरियस है, ज़्यादा गुस्से में भी नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता कि कुछ ज़्यादा ही फेस बन के हंसते हुए आए, वो जॉली मूड में उतना भी अच्छा नहीं लगता है यार, चैंपियनशिप जीतनी है, लगना चाहिए कि लड़का सीरियस है। चलो ठीक है, स्टारडस्ट आ जाओ। इस मैच के बाद देख लो भाई, मैंने बोल दिया अगर इस मैच के बाद भी मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी टैग टीम मैच में तब मैं अथॉरिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगूंगा, क्योंकि चैंपियनशिप चाहिए यार। ये तीसरा एपिसोड हो गया भाई, अभी तक टाइटल मैच के दूर दूर तक हम लोग कहीं नहीं है, और वो भी टैग टीम चैंपियनशिप है। ऐसा होता कि चलो WWE चैंपियनशिप है तो मैं वेट कर लेता, लेकिन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और कितना वेट करेंगे। स्टारडस्ट आ जाए यार, कूटने का सिलसिला शुरू करते हैं, और आप लोग लाइक करने का सिलसिला शुरू करो भाई, जिसने लाइक नहीं किया एकदम फटाफट लाइक कर लो, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, और बताना मुझे कि ये अटायर आपको कैसा लगा, ऐसे मैं चेंज करते रहूँगा। अच्छा टॉप रोप वाली एबिलिटी अभी तक नहीं दी, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज के एपिसोड ही मैं टॉप रोप एबिलिटी ये सब दे दूंगा यार, क्योंकि अब इसको मैं 2K18 वाला करियर मोड बनने नहीं दूंगा, क्योंकि 2K18 में यार हम लोग लेते ही नहीं थे, आधे से ज़्यादा एबिलिटी मैंने ली नहीं थी। मेरा सुपरस्टार लास्ट तक भले ही सारे चैंपियनशिप जीत लिया था उसने, लेकिन लास्ट तक यार बड़ा कमज़ोर था, तो इसमें ये काम नहीं करेंगे हम लोग। फिनिशर सिग्नेचर चेंज करते जाएंगे और भाई इसको स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे धीरे धीरे करके, लगना चाहिए ना, ताकि WWE चैंपियनशिप का जब मैच मिले तब तक यार पूरा ये स्ट्रॉन्ग दिखे, है कि नहीं। स्टारडस्ट को इस मैच में इतना मारना है ना, देखो हर मैच में मैं कोशिश करता हूँ कि 3 स्टार से ऊपर ही रहे मैच, ताकि रैंकिंग बढ़े। बहुत मेहनत की यार, 2 एपिसोड जिसने देखे होंगे उसको पता होगा कि कितना मेहनत किया एक एक मैच के पीछे, लेकिन रैंकिंग 5 की 5 ही है। और एक मेरा टैग टीम पार्टनर जेडन, यार पता नहीं उसका क्या ही करूँगा मैं, सही टैग टीम पार्टनर नहीं है लेकिन मजबूरी है। अगर पार्टनर चेंज करने का ऑप्शन आया तो मैं पक्का चेंज कर लूँगा, ऐसे आप लोग बताना कॉमेंट करके कि अगर मेरा टैग टीम पार्टनर चेंज करने का मेरे पास ऑप्शन आया मैं किसको बना सकता हूँ। रोमन मत बोलना, क्योंकि रोमन डीन एम्ब्रोस के पार्टनर है तो वो नहीं बनेंगे यार, तो ऐसे आदमी का नाम लेना जिसकी टीम नहीं है। रिवर्स कर दिया, अब बहुत पिटूंगा यार, मेरा रिवर्सल छीन लिया इस स्टारडस्ट ने। पता है अब लग रहा है रॉकी थोड़ा सा कि इम्प्रूव हुआ है भाई, है कि नहीं, एकदम सिंपल सा जीन्स पहन के आ रहा था, अभी थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट आया है अटायर में। यार ये रिवर्सल छीन के मारने वाला जो है ना, जब मैं करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सामने वाला करता है ना रोना आ जाता है भाई, ये रिवर्सल छीन के मार रहा है, शर्म कर स्टारडस, बहुत गलत कर रहा है भाई, बहुत गलत कर रहा। ठीक है, सिग्नेचर आ चुका है आपके भाई के पास, सिग्नेचर भी चेंज कर दिया भाई, फिनिशर भी चेंज कर दिया, दो दो सिग्नेचर दो दो फिनिशर्स हैं। ले भाई ये सिग्नेचर मुझे उतना पसंद नहीं, जो सेकंड वाला सिग्नेचर है ना वो आप देखना, ये वाला सिग्नेचर मैंने सेट नहीं किया था,
इसको भी चेंज कर दूंगा, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में ये वाला रहने दो, एक सिग्नेचर बेकार भी रहना चाहिए। चलो ठीक है, रिवर्स नहीं ना किया है। अरे यार फिर से मेरा रिवर्सल छीन लिया यार, ये स्टारडस्ट बोले तो कोडी रोड्स यार, AEW की सुपरस्टार अभी बन गया है। अरे अरे यार नहीं 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 नहीं, ये काम मत करो, रिवर्सल छीन के मार रहा है यार ये। चलो ठीक है, फाइनली आ गया रिवर्सल। यार रॉकी के शॉट्स अब ऐसे ऐसे ना, कैसा कूदा यार। हाँ तो मैं बोल रहा था मेरे शॉट्स ऐसे ऐसे हैं ना, जिसमें अगर सामने वाला रिवर्स कर देता ना मूव के बीच में, ये तो हथौड़ा निकालने चला गया, तो मेरा रिवर्सल ओए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई हो गया यार ये, क्या मनहूस आदमी है। मतलब मेरा अनडिफीटेड स्ट्रीक तो चल ही रहा है, मैं हारा नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन से जीत गया हूँ, लेकिन ये ऐसा इसने क्यों किया यार। इसमें AI के पास बड़ा दिमाग दिया, ये स्टाइल मार रहा है बेशरम, हार गया है मैच, बहुत गलत किया यार स्टारडस्ट ने। इसके साथ तो दुश्मनी शुरू हो गई, पर इसके साथ क्यों दुश्मनी। अच्छा ठीक है, अभी अपना भी तो भाई लेवल लो ही चल रहा है, टैग टीम चैंपियन है हम लोग, इसलिए जो मिड कार्ड रेसलर हैं इस गेम के अंदर उन्हीं लोग के साथ मैच चल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी है, और दुश्मनी शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, अभी तक कोई क्लोजेस्ट राइवल नहीं है, तो रैंकिंग नहीं बढ़ी है भाई। तो अब हम लोग अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, 4-स्टार मैच देना है बिग शो के साथ। ऐसे अथॉरिटी अभी अपने खिलाफ ही है, अनफेवरेबल, देखा होगा आपने वो रेड मीटर चालू है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, बिग शो के साथ 4-स्टार मैच करेंगे, और ट्रिपल एच को, ठीक है ट्रिपल एच को ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, क्योंकि भाई अपने को टाइटल मैच चाहिए, और अभी हम लोग ट्रिपल एच को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उनको ऑब्जेक्टिव पूरा करके, ताकि अपने को टाइटल मैच मिल जाए यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं ऐसे ही खेलते रह जाऊँगा, पता चला टाइटल मैच मिला ही नहीं। 2K18 का याद है ना, 4-5 एपिसोड हो गया था भाई, और लंबा चले जा रहा था, जब तक अथॉरिटी ज्वाइन नहीं किया तब तक टाइटल मैच नहीं मिला था, याद है ना आप लोग को। मैं जिसको याद नहीं है, 2K18 का करियर मोड देखना, पता चले कहते ना उसमें सफ़र हुआ था अपने साथ, तो वो वाली गलती से हम लोग सीख चुके हैं, तो वो गलती को दोबारा इसमें दोहराएंगे नहीं। भले ही अथॉरिटी को ज्वाइन करना पड़े, थोड़ा देर के लिए कर लेंगे, और जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही धोखा दे देंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई बिग शो, आ जाओ यार, शुरू करते हैं मैच, 4-स्टार मैच देना है। ठीक है, और यही बस इजी ऑब्जेक्टिव, तो आसानी, ऐसे भी मेरा अभी जितना भी माय प्लेयर का करियर मोड है उसमें तो मैं भाई सारे 3-स्टार के ऊपर ही रखता हूँ। आ जाओ बिग शो, जितने मूव्स हैं सब दे देने हैं यार। अच्छा टॉप रोप एबिलिटी नहीं दी ना, हाँ दे दूंगा दे दूंगा, अभी नहीं दी है लेकिन इस मैच के बाद। आज आप लोग टेंशन मत लो, आज आप लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ देखने मिलेगा जो कि अभी तक करियर मोड में मैंने नहीं दिखाया है। जैसे अटायर चेंज तो हो ही गया, एंट्रेंस चेंज हो गया, फिनिशर सिग्नेचर दिखा नहीं पाया लास्ट मैच में, उस मनहूस स्टारडस्ट की वजह से मैच को यार डिस्क्वालीफाई करके खत्म करवा दिया उसने। अथॉरिटी को अपने साथ करना होगा अगर चैंपियनशिप का मैच चाहिए तो, भाई क्या करूँ यार, बहुत गलत लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं है मेरे पास फिलहाल, क्योंकि WWE फाइट करने का मतलब ही है कि चैंपियनशिप चाहिए, वरना यार करियर मोड हम लोग को जिंदगी भर थोड़ी खेलना है। अच्छा बन के भी मिल सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा अच्छा बन के, और उतना पेशेंस है नहीं, वो जो पेशेंस था वो मैंने 2K18 में गवा दिया है भाई, बहुत हम लोग ने लंबा खेला था, याद है ना। टॉप रोप एबिलिटी नहीं है, एक बार आने दो, इसके बाद मैं ले लूँगा टॉप रोप एबिलिटी। और हाँ, ये ट्रिपल एच का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने से ना कुछ VC जो भी मिलता है वो पॉइंट से हम लोग अपनी एबिलिटी और सुपरस्टार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा है, तो इसलिए ट्रिपल एच को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल ज़रूरी है ट्रिप बिग शो यार, चुपचाप से हार जाओ ना 4-स्टार, देखो 3-स्टार बहुत ही आराम से हो जाता है, इसके बाद बहुत तकलीफ देते हैं यार ये लोग, धीरे धीरे बढ़ता है फिर। लास्ट एपिसोड में तो एक 5-स्टार मैच भी दिया था मैंने, ओहो भाई याद है ना, खतरनाक उसमें हालत खराब हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ 4-स्टार देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा बिग शो भी टॉप रोप नहीं चढ़ सकते हैं उनके वेट की वजह से, लेकिन चढ़ने का ऑप्शन देना चाहिए था बिग शो को, बचा लिया यार बिग शो ने। सिग्नेचर फिनिशर मेरे पास जितना अलग अलग तरह का सब दे देना है, अभी तो ये नॉर्मल वाला सिग्नेचर जो आप लोग देख चुके हो, लेकिन जो मेरा नया सिग्नेचर है और नया फिनिशर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लो। एक सिग्नेचर और एक फिनिशर मैंने सेट किया और एक अपने आप सेट है, जैसे कि ये वाला फिनिशर पहले ही से सेट था,
तो इसको भी चेंज कर दूंगा, लेकिन ये सिग्नेचर और ये फिनिशर सेट था, अभी पिनफॉल नहीं होने जा रहा है। अब मैं इसीलिए तो करवा रहा हूँ भाई, चाहता हूँ कि नहीं हो, मैच में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहनी चाहिए। अभी 4 स्टार नहीं हुआ, अभी 3.5 स्टार भी नहीं हुआ है मैच। अभी चाहता भी तो मैं बिग शो को पिनफॉल थोड़ी करवाता, देखता अगर 3 होने वाला रहता तो छोड़ देता, अलग अलग मूव्स देते रहने। अगर आपको 4 स्टार मैच देना है और भाई आप 2K17 का करियर मोड खेल रहे हो या कोई भी, तो उसमें आपको अलग अलग मूव्स देते रहने हैं कंटिन्यूसली, और सिग्नेचर फिनिशर तो ऑब्वियसली देना है। OMG है अगर आपके पास तो ज़्यादा सही है, OMG ये सबसे स्टार्स जल्दी बढ़ता है। अभी फिलहाल मेरे पास एक भी OMG नहीं है, लेकिन OMG मूव मैं ले लूँगा इसके बाद, ज़्यादा सही रहेगा यार, उससे आसानी से स्टार बढ़ जाता है मैच का, और स्टार आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। जिसको अभी तक अगर नहीं देखा होगा तो भाई देख लेना, लेफ्ट साइड में ऊपर में कहां का मार रहा बिक्शो। अरे इस चक्कर में मैच मत हार जाना, रैंकिंग ऐसे भी नहीं बढ़ी है। 2-3 ऑब्जेक्टिव मैं पूरा करूंगा ना ट्रिपल एच का, तब मुझे लगता है कि रैंकिंग बढ़ जाएगी। बिक्शो देख लो, 3.5 स्टार मैच हो गया, 0.5 स्टार और बढ़ाना है, तो एक सिग्नेचर एक फिनिशर और दूंगा ना, तब तक हो जाएगा काम मेरा। आ जाओ सर, आ जाओ। बूम, अभी तक 4 स्टार नहीं हुआ है यार, कितना मेहनत करवाएंगे यार ये लोग 4 स्टार देने के लिए। रनिंग सुपर किक देखो, ये है भाई फिनिशर जो कि मैंने आज के लिए सेट किया है, रनिंग सुपर किक, दौड़ते हुए सुपर किक मारता है भाई रॉकी। और एक और एक सिग्नेचर भी मैंने चेंज किया, वो भी आप लोग देख लेना। देखो आप लोग, आप बोलोगे भाई स्पीयर लो, ये लो, वो लो, तो बहुत सारे आप लोग जो बोलते हो वो सब नहीं दिया ऑप्शन सेट करने का, बहुत ही लिमिटेड सिग्नेचर और फिनिशर का, क्योंकि अभी नया करियर शुरू हुआ है ना, तो सारे मूव्स अवेलेबल नहीं है, तो धीरे धीरे जब हो जाएंगे तो हम लोग दूसरे सुपरस्टार का भी ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल तो यही है, इतना ही कम ही है। चलो ठीक है, अरे थोड़ा सा तो और बढ़ना है यार, 4 स्टार हो जाएगा, ऐसे अब सिग्नेचर फिनिशर लाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिग शो के पास स्पीयर आने वाला है, बिग शो के पास स्पीयर आने वाला है, और मेरा सुपरस्टार थोड़ा सा तो स्ट्रांग हो गया, 76 से 77 हो गया ओवरऑल, तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है भाई धीरे धीरे, जब तक WWE चैंपियनशिप के मैच में जाएगा, जो कि बहुत टाइम है अभी, लेकिन जब वहां तक जाऊंगा तो कम से कम 80-90 प्लस तो कर दूंगा भाई, ताकि WWE चैंपियनशिप के मैच में। हाँ ठीक है, रिवर्स कर दिया है, सिग्नेचर आया नहीं, हाँ तो भाई WWE चैंपियनशिप मैच में ताकि परफॉर्म कर पाए अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या है ना कि चैंपियन के साथ जब मैच होगा ना तब देखना कितना मारेगा भाई चैंपियन, चाहे वो कोई भी हो। तो ये भाई मेरा सिग्नेचर शूटिंग स्टार प्रेस, खड़े खड़े मतलब लेटे हुए आदमी को मैं खड़े खड़े दे सकता हूँ शूटिंग स्टार प्रेस, तो आज के सिग्नेचर और फिनिशर ये मैंने चेंज किया था। रनिंग सुपर किक, 4 स्टार हो गया है, चलो ठीक है पिनफॉल करवाते, मैच खत्म करते, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया। ये मैं फर्स्ट टाइम अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। 2-3 चलो देखते हैं भाई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो लास्ट एपिसोड था उसमें एक बार भी कंप्लीट नहीं किया था, तो अभी देखते हैं कंप्लीट करने से क्या होता है। चलो रॉकी जीत गया, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर दिया, अब आगे क्या, रैंकिंग बढ़ेगी जैसे जैसे ट्रिपल एच अपने फेवर में आएंगे ना, देखना मैं जल्दी जल्दी रैंकिंग बढ़ के चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बन जाऊंगा, ठीक है। अरे पहली बार ट्रिपल एच को हंसते हुए देख रहे हैं, 240 VC मिला, ये पॉइंट्स यूज होंगे। ओ भाई ट्रिपल एच की मुस्कान ओपी कर लो भाई एक बार चैट में। चलो ठीक है, रॉक खत्म किया जाए, मार्क हेनरी वर्सेस ब्रॉक लेसनर था रॉक का मेन इवेंट, सही है यार, देखते हैं फर्स्ट टाइम कंप्लीट किया अथॉरिटी। अभी रैंकिंग 5 है क्योंकि अभी भी अनफेवरेबल है ट्रिपल एच। परफॉर्म योर ओपोनेंट्स फिनिशर ड्यूरिंग योर मैच, अच्छा भाई मूव थीप लेना होगा, चलो एक काम करते हैं सारी एबिलिटी ले ही लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि मेरा ओवरऑल 76 से 77 हो गया है, क्योंकि बहुत सारी एबिलिटी मैंने ले ली अपने पास, जो भी मेरे पास VC था, और मूव थीप भी ले लिया है मैंने, मिस के साथ मैच है, चलो सही है। मिस शायद चैंपियन है यार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मिस इस गेम के अंदर शायद IC चैंपियन बोले तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। मिस के साथ मैच यानी कि दिक्कत होने वाली है यार, अभी उसके लिए तैयार नहीं है हम लोग। मैंने बहुत सारे OMG भी ले लिए हैं, बैरिकेड ब्रेकर यानी कि बैरिकेड तोड़ सकता हूँ, टेबल अनाउंस टेबल फिनिशर,
और नॉर्मल टेबल फिनिशर, टॉप रोप वाली एबिलिटी फाइनली भाई ले ली है, तो सब कुछ बहुत कुछ लिया मैंने। अब वीसी पॉइंट्स और आगे कलेक्ट करूंगा तो फिर अपने सुपरस्टार को और इम्प्रूव करते जाऊंगा। तो चलो देखते हैं यार मिस कैसा परफॉर्म करते इस मैच में। और भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। ये है WWE 2K17 का माई प्लेयर का करियर मोड और ये उसका एपिसोड नंबर 3 है। और जिसने एपिसोड 1-2 नहीं देखे तो भाई टेंशन की बात नहीं है, दोनों एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। देखते हैं मिस चैंपियन ही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में सारे चैंपियंस को देखा था। अब पता नहीं अभी तक चैंपियन बने होंगे कि नहीं मिस, पर स्टार्टिंग में तो मैंने देखा था कि मिस शायद आईसी चैंपियन हैं। अभी देख लेते हैं, मूव थीफ देना है मिस को, इसमें अथॉरिटी का ये है ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्कल क्रशिंग फिनाले देना है जो कि मिस का मूव है, तो इनको देना है। ये आसानी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस मिस परेशानी नहीं क्रिएट करें। ओ भाई ये चैंपियन, मैंने बोला था ना कि इनको शायद मैंने चैंपियन देखा था यार। ठीक है चैंपियन के साथ मैच हो रहा है, वो भी आईसी चैंपियन के साथ। मैं तो चाहता हूँ कि इनके साथ दुश्मनी बढ़े ताकि मैं भी आईसी चैंपियन के कंटेंडर लिस्ट में आ जाऊँ। मैच के बाद भी इनको पीटूंगा मैं, ऐसे भी धीरे धीरे अथॉरिटी हम लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं तो भाई थोड़ा थोड़ा हील भी बनना पड़ेगा, ऐसे मीज भी हील ही सुपरस्टार हैं तो इनको तो मारना बनता है। मिस देखो एक फिनिशर लाने दो भाई, इसमें मूव थीफ लाने के लिए मार नहीं खाना पड़ता है, ठीक है। मूव थीफ एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए जो कि मैंने ले ली है, और बस उसमें L1 और ट्राइंगल दबाने से, जो कि मैं PS4 के कंट्रोल्स बता रहा हूँ आपको, L1 और ट्राइंगल दबाने से आपके पास आप एक बार मूव थीफ दे सकते हो अपने अपोनेंट को। इसमें पिटाना नहीं पड़ेगा आपको, जैसे कि 2K20 में होता है कि मुझे मार खानी पड़ती है अपनी एबिलिटी यूज़ करने के लिए। ये सिस्टम को हटा देना चाहिए यार, मार नहीं खाना चाहिए। मतलब मैं, मेरे पास एक फिनिशर आएगा मैं अपनी एबिलिटी यूज कर लूंगा, उसके लिए फिनिशर लाना पड़ेगा। मिस परेशान नहीं करना, चुपचाप से एक मूव थीफ खाना और चुपचाप से पिनफॉल करवा लेना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अपनी रैंकिंग बढ़ते भाई। आज तो ये एपिसोड मैं ख़त्म नहीं करूंगा अगर मेरी रैंकिंग नहीं बढ़ी तो, ठीक है। टैग टीम चैंपियनशिप मतलब क्या है यार, कौन सा WWE टाइटल के लिए लड़ रहे हैं यार। लास्ट एपिसोड में मुझे लगता है 1 घंटे का था, रैंकिंग जरे से भी नहीं बढ़ी थी, अभी आज भी नहीं बढ़ी तो बेकार है यार। मतलब 10 एपिसोड तक हम लोग रैंक 4 पे जाने के लिए खेलते रहेंगे। मैं जान रहा हूँ मेहनत लगती है स्टार्टिंग में, पर ये कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो रही है, और सारे मैचेस में जीत भी रहा हूँ। भले ही डिस्क्वालिफिकेशन से एक मैच जीता, लेकिन जीता ना। रिवर्स कर दिया मनहूस मिस ने, मिस द मनहूस। ए भाई तू भी डिस्क्वालिफाई, ये देखो सब उल्टे सीधे काम, टर्न बकल खोल दिया है, इन्हीं को पटकूंगा उसी टर्न बकल पे, याद रखना मिस, ये गलत किया तूने। अच्छा ये नीचे जानबूझ के भागे हैं डिस्क्वालीफाई होने के लिए, काउंट आउट से हरा के भेजूंगा भाई, डिस्क्वालीफाई तो नहीं होने दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि स्टारडस्ट मुझे हथौड़ों से मार देगा यार, मुझे लगा ऐसे ही सिर्फ लेके आया है, लेकिन इसमें AI बहुत ही चलाक और बहुत ही बदमाश है। ये जो टर्न बकल खुला है ना मिस, इन्हीं के सर पे पटकूंगा मैं, रुक जाओ अभी। जाओ टर्न बकल में जाओ और छाती और मुंह के बल जाना। अरे सिर्फ पीठ में लगी यार, मुंह पे लगती ज्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, चलो फिनिशर मेरे पास आने ही वाला है, क्योंकि आपसे सिग्नेचर खाना है, गेम मत करना। एक काम करते हैं शूटिंग स्टार प्रेस से देते हैं सिग्नेचर, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। चलो भाई मूव थिफ देने जा रहे हैं, उसके बाद पिनफॉल करवा लेंगे। अरे मूव थिफ दिया क्यों नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से देते हैं L1 और ट्राइंगल, इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है, लेकिन ठीक है। स्कल क्रशिंग फिनाले देते हैं और खत्म करेंगे मैच। छीन लिया, फिनिशर छीन लिया मिस ने यार, ये जानबूझ के ट्रिपल है, जो भी ऑब्जेक्टिव देते हैं ना ये लोग, उसमें कुछ ज्यादा ही टांग अड़ाते हैं ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करने के लिए। मतलब इन लोग को ऐसा लगता है प्रोग्राम ही किया गया है मेरा ऑब्जेक्टिव खराब करवाने के लिए। उतर गए मिस, अरे मेरा रिवर्सल छीन लिया, भाग जा भाई। इसमें ना स्टाइल मारने से रिवर्सल वापस से आ जाता है, हाँ वापस आ गया, अगर ये लोग स्टाइल मारने का टाइम दे तो। डिस्क्वालीफाई नहीं होने दूंगा भाई। हाँ ये देखो टॉप रोप जाने की एबिलिटी फाइनली आ चुकी मेरे पास, बोला ना भाई आज के जो एपिसोड होगा उसमें आप लोग को बहुत कुछ देखने मिलेगा। बैरिकेड तोड़ने की भी एबिलिटी ले ली है मैंने, जो कि आज यूज करूंगा, अभी फिलहाल नहीं, अभी तो हम लोग मूव थीफ देने के चक्कर में है।
अरे ये क्या कर रहा है भाई, अंदर चल यार, दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अथॉरिटी ना कुछ कुछ उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव भी देंगे, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव तो आसानी है। इसको डिस्क्वालीफाई नहीं होने दूंगा मैं, टेंशन मतलब मिस, घसीट के लिए कि आना पड़े, मैं घसीट के लिए क्या आऊँगा। बच गया यार ये, अरे मैं भी तो अंदर ही लेके जा रहा था यार, टेबल पे पटक रहा है। मन तो बहुत कर रहा है कि टेबल तोड़ दूं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, क्योंकि रैंकिंग बढ़ाने पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है। 3 हुआ है। बाहर में सिग्नेचर क्या है? डीडीटी, खून निकल गया, अच्छा लगा, लेकिन बाहर का सिग्नेचर फिनिशर भी चेंज करना होगा। बाहर में भी कुछ यार स्टाइलिश टाइप का सिग्नेचर फिनिशर होना चाहिए। आजा भाई, अब तो मिस के पास हेल्थ भी नहीं है, एक सिर्फ मूव थीव देना है और मैच खत्म करना है। मिस आ जाओ, चुपचाप से पटकाओ यार, ये चुपचाप से कोई काम करने वाले है नहीं। चलो ठीक है, मूव थीव के लिए तैयार। स्कल क्रशिंग फिनाले खा लेना, इस बारी मत छीनना। फिर छीन लिया, ये देखा मैंने बोला ना, ये लोग जानबूझ के ऑब्जेक्टिव खराब करने के लिए अपना फिनिशर देने जा रहे थे, वही क्योंकि मैं भी उसी स्टाइल में दे रहा था, ये फंसा के पिनफॉल कर रहे हैं। फिर से सिग्नेचर आ गया, वो तो अच्छा हुआ कि छीन लिया मैंने फिनिशर। मैंने बोला ना ये लोग अथॉरिटी को ऑब्जेक्टिव जानबूझ के, मतलब ऐसा प्रोग्राम किया गया है ताकि मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। मैं इसके सर से खून निकल रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे, क्योंकि आपसे दुश्मनी करो मेरे साथ। और हाँ ठीक है, फिनिशर देते हैं अब। एक काम करें, नॉर्मल फिनिशर अपना दे के देखूं मैं, ये हर बार फिनिशर तो रिवर्स नहीं कर रहे हैं क्या? अपना फिनिशर एक बार दे के देखता हूँ यार, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव खराब करने के लिए आए क्या ये? नहीं यार, मेरा फिनिशर रिवर्स नहीं किया, देखा ना, अब समझ गया ना, ये ऑब्जेक्टिव मेरा खराब करने के लिए आए हैं। मैं समझ गया, लेकिन मैं भी दे के रहूंगा चाहे कितना टाइम जाए, क्योंकि मैंने बोला ना कि आज का एपिसोड खत्म नहीं होगा जब तक मैं रैंकिंग 5 से 4 में नहीं जाऊं। सारे ऑब्जेक्टिव ढूंढ ढूंढ के कंप्लीट करने रहे, मैं जरूर करूंगा जब तक कुछ उल्टा सीधा नहीं आ जाए। यार उल्टा सीधा भी आते रहता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दूंगा ना अथॉरिटी के, तो थोड़ा सा चांसेस है कि रैंकिंग बढ़ेगा मेरा। बस सारे मैचेस जीतते रहना है। ये मिस यार मनहूसियत कर रहा है, बहुत ही जबरदस्ती का, बेकार का, ऊपर गया मिस, नहीं कूदना मिस। अच्छा बुला रहा है, ठीक है भाई बुला ले, मौत को नहीं बुलाना चाहिए। सिग्नेचर, मत रिवर्स करना यार, 3 बार खा चुका है मेरा स्कल क्रशिंग फिनाले, मतलब मूव थी बोले तो। देने का शुरुआत करूं आप, चलो देखते हैं, फिर छीन लेगा मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं छीनना यार प्लीज, अरे फिर छीन लिया, क्यों ऐसे कर रहा है यार? मूव थीफ छीन लेता है जब मैं अपना फिनिशर देता हूं तो नहीं छीनता है। कब कब पिनफॉल करवा के जीत चुके होते अभी तक यार, ये मूव थीफ देने के चक्कर में मैं मैच हार जाऊंगा। मैच भी तो नहीं हारना है ना, फिर खाक रैंकिंग बढ़ेगी। ये अपना फिनिशर देने जा रहा है, शर्म आ रहा है, मेरा फिनिशर छीन लूंगा अभी, रुकना, हाँ वापस कर। स्कल क्रशिंग फिनाले के लिए इतना मेहनत करवा दिया यार इस आदमी ने, देख रहे हो ना, मतलब अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये सामने वाला रिवर्स कर दे रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, ये जानबूझ के इसको प्रोग्राम किया गया मेरा ऑब्जेक्टिव खराब करवाने के लिए। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, चाहे 50 बार देना पड़े मैं दूंगा, जब तक मैं मूव थीफ दे नहीं दूँ उसको। देखो सिग्नेचर दे रहा हूँ, रिवर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसी मूव थीफ की बात आ रही वैसी 3 या 4 बार हो गया ना रिवर्स, फिर एक बार ट्राई करते हैं। आजा भाई आजा, इस बार लगता है दे दूंगा, 3-4 बार हो गया है। अरे फाइनली यार स्कल क्रशिंग फिनाले, अब पिनफॉल करो। और इस ऑब्जेक्टिव की वजह से अच्छी बात यह है कि मेरे पास मूव थीफ वाली एबिलिटी भी आ गई है। 1 2 जब बहुत जरूरी रहेगा ना किसी मैच में तो उसमें यूज करेंगे। फाइनली चलो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। मूव थीफ, अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को उन लोग का मूव थीफ चुरा के, यानी कि उन लोग का मूव फिनिशिंग मूव चुरा के उन लोग को दे सकता हूँ।
लेकिन मैच में सिर्फ एक ही बार यूज कर पाऊंगा इसको। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है ट्रिपल एच, प्लीज बोल दो कि रैंकिंग बढ़ी है प्लीज। ऐसे अभी शायद फेवरेबल हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे मुझे आइडिया नहीं है। इस मैच को मैं ब्रेकआउट करके मारना चाहता हूँ भाई मिस को, और उसके पीछे रीजन ये मैं चाहता हूँ कि मिस से मेरी दुश्मनी शुरू हो जाए। भाई साहब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है ना, अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है? अच्छा नीचे से सामान निकालने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं। सिग्नेचर फिनिशर बैरिकेड, शायद ब्रेक इन करने के बाद बैरिकेड तोड़ने का ऑप्शन नहीं देते हैं ये लोग शायद, अब पता नहीं टू किस। अरे ये मैं क्यों गिर गया? अच्छा मेरा मोमेंटम खत्म हो गया था। अरे उठ जा भाई, तेरे को मारने के लिए लाया था, ये क्या कर रहा है? रॉकी बेइज्जती हो रही है यार, जल्दी खड़ा हो ना, ये रिंग ही क्यों जा रहा है? हाँ मिस को देख लो भाई, मिस की कुटाई देख लो अच्छे से। बैरिकेड तोड़ने का मुझे नहीं लगता ऑप्शन देंगे ये लोग, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने एबिलिटी ले ली है, हाँ मैं जान ही रहा था। फिनिशर ही दे देते हैं, स्टील स्टेप्स निकल गया। ओ चलो बढ़िया है, ये अच्छा हो स्टील स्टेप्स निकल गया। रेफरी निकल ले यहाँ से, निकल ले, मूड खराब हुआ ना रॉकी का, तेरे तरफ भी मार सकता हूँ। हाँ हाँ घंटी बज गई, मैच जीत गया हूँ मैं, लेकिन मिस से दुश्मनी थी ना, मतलब बढ़ानी है दुश्मनी आगे, इसलिए इतना मारा है। फिनिशर भी खाई, अच्छा फिनिशर भी DDT ही है यार, चेंज करना होगा कुछ, कूल लगना चाहिए फिनिशर रिंग के बाहर भी। मिस दुश्मनी आज से स्टार्ट हम लोग की। ठीक है भाई निकलते हैं यहाँ से, और ट्रिपल एच का हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ मैं। दुश्मनी बढ़ गई मिस के साथ। ओ भाई चवन्नी मुस्कान दे रहे हैं ट्रिपल एच, उनको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया है। ट्रिपल एच भी सोच रहा होगा आदमी यार ये तुरंत चेंज हो गया, लास्ट एपिसोड में एक भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किया था, और इस बार देखो कंप्लीट पे कंप्लीट किया जा रहा है। चलो देखते हैं रैंकिंग बढ़ी क्या। पे बैक पेपर यू अभी तक नहीं बढ़ी, लेकिन ठीक है अभी तक अनफेवरेबल है ट्रिपल एच। दो कॉम्बो एक साथ मिलेंगे क्या है भाई? विन बाय DQ, अरे यार ये तो गड़बड़ी हो गई ना यार, DQ से कैसे जीतेंगे? ये कौन है लैंस, ये कौन है भाई? ये मेरे साथ परफॉर्मेंस सेंटर में था क्या? ये है कौन? ये तो लग रहा मेरा ही बिछड़ा हो भाई, ये बिना दाढ़ी वाला कौन है भाई? ये लैंस मेरे को याद नहीं भाई, कमेंट करके बताना ये असली सुपरस्टार है या फिर गेम के अंदर है। रैंकिंग अभी तक 5 है, लेकिन बोला ना आज जब तक रैंकिंग 5 से हम लोग 4 पे नहीं जाएंगे तब तक आज का एपिसोड खत्म नहीं होगा, चाहे ये एपिसोड 4 घंटे का मुझे क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि मुझे देखना है यार कि रैंकिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलो पे बैक पेपर यू, फर्स्ट पेपर यू है रॉकी का, और ये पता नहीं कौन से आदमी के साथ मैच है, और ऊपर से इस मैच पे अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि DQ से जीतना है यार, DQ से कैसे जीतेंगे? क्योंकि स्टारडस ने तो चलो अपने मूड से मार दिया था मुझे, और आप लोग अभी देख के समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर यानी कि इसमें जो AI है उसका काम ही है मेरा ऑब्जेक्टिव खराब करना। यानी मैं लाख कोशिश कर लूँगा, मुझे पक्का यकीन है कि वो जो लैंस है मुझे सामान से नहीं मारेगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा वो, मतलब मैं इस बात पे पूरा मतलब बोलो तो गारंटी दे सकता हूँ कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन फिर भी अपना काम है ट्राई करना भाई, तो ट्राई करूंगा मैं, ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना मुश्किल ही लग रहा है मुझे। ठीक है शुरू करो यार मैच, देखते हैं ये कौन है यार लैंस। और पेबैक में इसके साथ क्यों मैच हो रहा है? मैच ही करवाना था तो कोफी के साथ या बिगी के साथ या फिर मिस के साथ करवा देते, मिस को भी अच्छा खासा पीट दिया था, इसके साथ क्यों करवा? ये पक्का फेस सुपरस्टार है लैंस जैंडर। ये पता नहीं अगर कोई था भी WWE में तो मुझे याद नहीं है, ये तो देखने मेरे जैसा ही लग रहा है, बस दाढ़ी नहीं है और बाल थोड़े छोटे लग रहे हैं इसके। ये पक्का मेरे साथ परफॉर्मेंस सेंटर में था शायद, बता दो भाई कमेंट करके ये है कौन, ये सही में WWE सुपरस्टार है या ऐसी है भाई? इसके साथ DQ में जीतने में परेशानी होगी, कोई हील सुपरस्टार रहता ना तो टेंशन नहीं रहती, वो अपने आप ये सब उल्टे सीधे काम करके डिस्क्वालीफाई हो जाता। लेकिन ये पता नहीं करे कि नहीं, मैं फिर भी ट्राई करूंगा, मैं सामान लेके आता हूँ और इसको लालच दूंगा, ले भाई मार ले यार मुझे, मैं ब्रे वाइट बन गया। ब्रे वाइट और जॉन सीना का फ्यूड याद है? फिंड और जॉन सीना का नहीं, मैं ब्रे वाइट और जॉन सीना का फ्यूड बता रहा हूँ, जिसमें ब्रे वाइट बार बार चाह रहे थे कि जॉन सीना उनको सामान से मार दे, तो मैं भी वैसे ही चाह रहा हूँ यार, मार दे भाई सामान लेके तो आ गया हूँ, इसको ऑफर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जान रहा हूँ ना ये नहीं लेगा। ये लोग आते हैं भाई ऑब्जेक्टिव खराब करने के लिए, और जब ऐसा मैच हो जिसमें इसकी वजह से मैं जीतूंगा या मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा तब तो कतई ये लोग पूरा नहीं करने देंगे। फिर भी मैं लास्ट तक ट्राई करूंगा भाई, पूरी कोशिश करूंगा कि ये सामान लेके मुझे मार दे।
नॉर्मल मैच भी तो है ना रेफरी। हाँ ये देखो रेफरी को बस मौका मिलना चाहिए, सामान ढुलका दिया नीचे यार। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट की वजह से ना एक अलग किक मिल रही है मैच में, पता है ऐसे से उल्टे सीधे ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना अथॉरिटी वाले। अब स्टील स्टेप मुझे नहीं मारना है, ठीक है, विन बाय डीक्यू है, लूज बाय डीक्यू नहीं है, तो इसको ऑफर करना है। ये मनहूस जानबूझ के लात मार दे रहा है यार, ये छीन भी नहीं रहा है मुझसे, छीने ना तो मैं जानबूझ के इसके सामने खड़ा हो जाऊं। काउंट आउट भाई डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आती, याद रखना है, काउंट आउट से नहीं जीतना है, विन बाय डीक्यू यानी कि जब तक ये मुझे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट यानी कि जो भी सामान यहाँ पे दिख रहे हैं उनसे मार नहीं देता, और रेफरी के सामने मतलब रेफरी को देखना भी चाहिए, ऐसा नहीं रेफरी गिरा रहेगा तब नहीं। लेना भाई मार देना यार, मार देना रे, तेरी की छीन तो ले पहले सामान मेरे से, ये सामान देखना छुएगा तक नहीं, आज ही इसके अंदर सारी अच्छाई आ जाएगी लैंस के अंदर। ये लग रहा नहीं कि सस्ता सुपरस्टार, जब आप फर्स्ट टाइम कोई WWE गेम खेलोगे और उसमें आपको पता नहीं कि अटायर चेंज होता है और आपको एक डिफॉल्ट अटायर मिल जाए, तो वैसा ही ये प्लेयर नहीं लग रहा है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये रियल प्लेयर था WWE में, अगर था तो भाई ऐसा अटायर तो नहीं होगा इसका। चेयर लेके आता हूँ इस बार, मारेगा कि तू नहीं मारेगा चेयर से? एक काम करते हैं रेफरी को गिरा देते हैं धक्का देके, मार के नहीं गिराना यार वरना डिस्क्वालीफाई कर देगा रेफरी। अब ना इसको मारता हूँ मैं, तब हो सकता है, अरे रेफरी बड़ा जल्दी खड़ा हो गया। लेना भाई चेयर लेना, ऑफर दे रहा हूँ, मारेगा कि नहीं मारेगा तू चेयर से? पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, क्या करूँ मैं, जीतना तो है ही इस मैच में, अनडिफीटेड स्ट्रीक को अपना कंटिन्यू रखना है। अब जाके मारता हूँ इसको, तो ज़्यादा सीधा बन रहा है, इसके सर पे मारता हूँ चेयर से एक बार खींच के। ले अब मारेगा चेयर से, जल्दी बोल। रेफरी मनहूस उठा के चेयर बाहर फेंक देगा यार, जानबूझ के इसको मैं लालच देना चाह रहा हूँ, ये चेयर से मुझे मारे, कोई भी सामान से मार दे चलेगा। भाई तेरा लगता है टाइम खत्म होने वाला है, क्या कर सकते हैं, फिर मैच जीतना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं कर पाएंगे यार, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे रहते ही हैं, खासकर इस टाइप के जब अपोनेंट से कुछ करवाना हो। यार ये लोग तो मेरा सुनेंगे नहीं, तो मुझे डिस्क्वालीफाई करवा के जितवा दें। रिवर्स कर दिया मनहूस ने, अब बहुत मारेगा यार, ये मेरा रिवर्सल छीन लिया, अब कूट देगा ये, अब छोड़ेगा नहीं। हाँ भाई अब तो पिट ही सकते हैं, अब अपनी पिटाई देखने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, मार ले भाई मार ले, अलग अलग उल्टे सीधे मूव मार रहा है। ओ हो हो हो, रिवर्सल छीन के मारा है भाई ने, आ गया मनहूस मेरे पास रिवर्सल, अपनी जितनी हेल्थ कर दी ऑलमोस्ट, शुरू मैच से मैं मार रहा था, रिवर्सल छीन के जो इसने मारा है। अब ज्यादा नहीं हो रहा है लैंस तेरा, एक तो सामान से मारना था तो उससे मारा नहीं, क्या करना चाह रही है, हट बड़ा आया, ये भी रिवर्स कर दिया, अरे कुछ ज्यादा ही रिवर्सल कर रहा है यार ये। ट्रिपल एच भी चुन चुन के ऑब्जेक्टिव देते हैं यार, ऐसा कि जो पूरा नहीं करने दे ये लोग। वहां फेंक रहा है बाहर, हाँ बाहर तो ले ही जाए यार, अरे बाहर नहीं ले गया, हाँ ठीक है मैं तो चाहता ही था बाहर जाऊं, बाहर सामान बहुत सारे पड़े हुए, इसको लालच में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सामान से मार दे यार, इसको इतना मारूंगा ना ये गुस्से में आके मार देगा। आ तो फिनिशर खाएगा, चल सुपर किक, अब मैं तेल लेने गया यार ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, इसको मैं एक फिनिशर, एक सिग्नेचर, एक और फिनिशर देके इसका पिनफॉल करवा लेता हूँ। भाई इतने में तो अच्छे अच्छे चैंपियन लोगों का पिनफॉल हो जाता, ये वाला फिनिशर कनेक्ट हो गया ना। हेलो भाई अब तो इसका पिनफॉल होना ही है, पिन कर रेफरी यार, एक सिग्नेचर नहीं, एक फिनिशर, एक सिग्नेचर, फिर फिनिशर, तीन तीन एक साथ पड़े हैं, कर ले यार, 1 2 3 3 नहीं, अरे पागल है क्या रेफरी भाई, तीन तो सुनाई दिया था मुझे, हाथ पटकने की आवाज आई थी, किक आउट कर दिया इसने यार, यारे कौन आदमी है भाई। ठीक है चलो मैच अगर अभी तक बच गया किसी तरह तो फिर से इसको लालच देने की कोशिश करते हैं, हो सकता है ये जानबूझ के ऐसे हार रहा नहीं हो ताकि सामान से, हो सकता है मारे, पता नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। देख भाई चेयर भी है, डंडा भी है, एक सामान से मार दे यार, तू उठा लेना, मैं सर लेके आ रहा हूँ, मेरा सर फोड़ दे तू, मैं चाहता हूँ तू मारे, लेकिन मार ही नहीं रहा है ये,
डिस्क्वालीफाई इसको करवाना है, लेकिन जब तक ये सामान से नहीं मारते, काउंट आउट डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आती है, रेफरी गिरे रहतू। रेफरी को इतने जल्दी होश आ जाता है ना यार, इसको मार भी नहीं सकता मैं। लेना भाई लेना डंडा, इसे मारना, ये जानबूझ के लात मार रहा है ताकि मेरे हाथ से सामान गिर जाए। अगर ग्रैपल करता ना मुझे तो इसके हाथ में सामान आ जाता, लेकिन ये नहीं करेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इसका कुछ हो पाएगा भाई, ये नहीं लेगा सामान, ये बहुत ही ज़्यादा शरीफ है। रेफरी तो गिर तो एक बार मैं इसको सामान से पीट पीट के देख लेते, हो सकता है उसके बाद ये गुस्से में मारे मुझे, कोई ठीक नहीं है। चेयर खाया कभी? अरे कहाँ मार दिया रॉकी यार, धत तेरी की, इसके मुंह पे मारना चाहिए था। अब तो रेफरी को होश भी आ गया होगा। अरे भाई रिवर्सल छीन लिया इसने यार, ये सड़े हुए ऑब्जेक्टिव की वजह से ना मैं मैच हार जाऊंगा, पूरी हेल्थ खत्म होगी, मेरा अनडिफीटेड स्ट्रीक ये तोड़ेगा। लैंस पता नहीं कौन है, मेरा रिवर्सल छीन लिया, अब चाहे तो ये मुझे फिनिशर भी दे सकता है। अरे जल्दी होश में आ जा रॉकी, रिवर्सल नहीं है तेरे पास भाई। ये सड़े हुए ऑब्जेक्टिव की वजह से ना एक तो पूरा भी नहीं हो रहा है। चलो मिस का तो पता था कि ये पूरा हो ही जाएगा, कितना बार रिवर्स करता है, लेकिन ये तो सामान यूज ही नहीं कर रहा, ये कुछ ज़्यादा ही शरीफ आदमी है, या मैच नहीं हारना चाहता, पता नहीं। जो भी हो इसको इतना तो गुस्सा दिलाया यार। फिनिशर है मनहूस के पास, मेरे पास भी सिग्नेचर आ गया, अब इसको पिनफॉल करवा लेंगे यार, तेल लेने गया ये, और इसको मैच कंप्लीट होने के बाद भी मारूंगा मैं। इसकी वजह से मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ यार, ट्रिपल एस से दोस्ती हो रही है अभी धीरे धीरे करके, और ये बीच में रास्ते में कांटा बन के आ गया। चल चुपचाप से इस बार पिनफॉल करवा लेना, समझा, वरना बेइज्जती हो जाएगी यार कि तीन तीन चार चार सिग्नेचर फिनिशर दिया उसके बाद भी पिनफॉल नहीं हुआ है। 1 2 चलो ठीक है, मैच कंप्लीट होने के बाद मैं इसको मारना चाहता हूँ यार। अभी दोस्ती अच्छे से हुई भी नहीं थी, एक ऑब्जेक्टिव फेल करवा दिया मनुष्य ने। ऐसा ऑब्जेक्टिव ही था, क्या करते हैं, ये यूज ही नहीं कर रहा था कोई सामान। ठीक है, ये जीत में मुझे उतना मजा नहीं आया क्योंकि इस मनुष्य की वजह से मेरी ट्रिपल एस से बनती हुई दोस्ती फिर से पीछे चली गई है। अरे सामान उठाना यार, नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे भी इसको सिग्नेचर फिनिशर में दे के आऊंगा। मेरे और चैंपियनशिप के रास्ते में अब जो आएगा वो पिटेगा। रेफरी हट गया, हट जा रेफरी, पीछा भी जा, इसकी वजह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रिपल एच का दुखी चेहरा या गुस्से वाला चेहरा देखने को मिलेगा यार, ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा खासा भी ट्रिपल एच की चमकान देख रहे थे हम लोग, मुस्कान की चमकान, लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। ले भाई बूम। चलो पर मैच तो जीते हैं तो, और ट्रिपल एच का दो दो ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट किया है, तो आई थिंक रैंकिंग बढ़नी चाहिए यार, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 में तो जाएं कम से कम। और दुश्मनी सबके साथ मोल लेते जा रहे हैं, कभी मिस के साथ, अभी इस लैंस के साथ। हाँ ठीक है, ये देखो ट्रिपल एच के सड़ा हुआ मुंह देखने मिला अपने को, कोई बात नहीं, देखते यार रैंकिंग बढ़े तब ना कुछ मजा आए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंग्स था मेन इवेंट, ब्रॉक या सेथ में से कोई चैंपियन है। फाइनली भाई रैंकिंग बढ़ गई, 4 पे चला गया मैं। ओ भाई रॉकी एंड जेडन जेट, भाई तू जेडन तू कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरे साथ जबरदस्ती ऊपर जा रहा है। ओ भाई फाइनली रैंकिंग 4 में आ गया, सेथ रॉलिंग्स WWE चैंपियन है, यहाँ आना अपने को भाई, इस रैंकिंग में आना है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। मिज IC चैंपियन है, मिज सही है, और US चैंपियन रूसेफ है। चलो ठीक है, NXT चैंपियन तो हम लोग उसमें फाइट ही नहीं किया, NXT में डायरेक्ट हम लोग मेन रोस्टर में आ गए। ओ कोफी के साथ मैच है, ठीक है, ट्रिपल एच अभी भी अपने खिलाफ है भाई, ट्रिपल एच का ऑब्जेक्टिव देखें क्या है। ठीक है, रैंकिंग और ऊपर जानी है भाई, बैरिकेड तोड़ना है 2 बार और काउंट आउट से जीतना है। चलो ये तो आसान है, ये हम लोग कर सकते हैं, आसान नहीं है लेकिन ठीक है कर सकते हैं, वो भी चैंपियंस के साथ मैच है। ये मैच है भाई खुद को प्रूव करने का कि रॉकी भी चैंपियनशिप मटेरियल है, क्योंकि चैंपियन के साथ मैच है और इसी रैंकिंग में तो हम लोग चल ही रहे हैं। देखे भाई टैग टीम चैंपियनशिप अभी तक एक बार भी सामने से नहीं देखी है गेम के अंदर, तो अभी देख लेंगे जब कोफी का एंट्रेंस होगा। और फाइनली भाई रैंकिंग बढ़ गई यार, इतनी खुशी भाई, रैंकिंग ओपी कर लो यार एक बार चैट में, नंबर 4 पे चले गए यार फाइनली, मतलब एक। और ये दूसरा एपिसोड जो हम लोग रैंकिंग के लिए कर रहे हैं उसमें जाके अब जाके कंप्लीट हुआ है, नंबर 4 पे गए, अभी तो नंबर 1 पे जाना है, नंबर 1 कंटेंडर बनना है, लेकिन चलो 4 भी ठीक ही है। ये बैकस्टेज क्यों दिखा रहा है, कोई आ रहा है, पॉल हेमन।
What you're doing in that ring is simply unique and engaging. I like it. Keep showing that crowd that you demand their attention. Reminds me of myself in my younger, more handsome days. वायर पॉल हेमन की आवाज भी यही मुझे 2K17 का अच्छा लगता है कि सिर्फ डायलॉग नहीं लिखाता है, आवाज डाल दी है यार सबकी। तो चलो ठीक है यार, जबकि 2K18 में आपने देखा था सिर्फ डायलॉग लिखाता था, लेकिन इसमें अच्छा है कि आवाज भी सुनाई देती है। पॉल हेमन को भी जो हो सकता है ज्वाइन करें, हम लोग पॉल हेमन को अपना मैनेजर बनाए, लेकिन अभी उस सब में बहुत टाइम है। पॉल हेमन को भी ऑब्जेक्टिव खुलेगा जब एक चैंपियनशिप में मेन रोस्टर में यानी कि रॉ या स्मैकडाउन में कहीं जीतूंगा तब। अभी तो पॉल हेमन का ऑब्जेक्टिव लॉक है। कोफी आ जा भाई, देख लेते हैं चैंपियनशिप, और कोफी के साथ मैच में मजा आने वाला है, चैंपियन है ना। और इसी चैंपियनशिप के लिए हम लोग मतलब रैंकिंग अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, तो इस मैच में कड़ी टक्कर मिलने वाली जहां तक मुझे लग रहा है। जेडन का यार साथ में क्यों नहीं आया, काहे का टैग टीम पार्टनर है यार। न्यू डे का देखना, दोनों साथ में आएंगे। ये तो भाई दोनों, ओहो चैंपियनशिप अच्छी लग रही है। ये बिगी शायद अचानक से आया ना, बताओ यार। यहाँ पे टैग टीम चैंपियन बने हुए बिगी, रियल लाइफ में अभी WWE चैंपियन बने हुए। सही है यार इन लोग का, डांस करते हुए आ रहे दोनों। छीन लूंगा बेल्ट, छीन लूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। अथॉरिटी तक को ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया, भले ही अभी अथॉरिटी अपने साथ नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे साथ हो रही है सिर्फ बेल्ट के लिए। कॉफी आ जाओ यार, मैच शुरू करते हैं। दो बैरिकेड तोड़ना है, काउंट आउट से जीतना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यानी ट्रिपल एच का ऑब्जेक्टिव है जो ट्रिपल एच ने दिया, यानी कि दो फिनिशर चाहिए। और बैरिकेड तोड़ने की एबिलिटी तो मैंने पहले ही ले ली थी, अच्छा ही किया ले लिया यार। मैनेजर लोग बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं मैच में, जब पिनफॉल या सबमिशन का टाइम आता है तब, क्योंकि 17 में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ये लोग। दो बैरिकेड तोड़ने के लिए दो फिनिशर चाहिए, ठीक है, और काउंट आउट से जीतना है। तो बैरिकेड तोड़ेंगे तो ऐसे भी आधा ज्यादा काउंट आउट तो हो ही जाएगा, मतलब 10 काउंट का आधा तो हो ही जाएगा। तो बैरिकेड तोड़ने से ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव है वो सही है, लास्ट वाले से तो बेटर ही है यार, विन बाय DQ। कोई हील सुपरस्टार रहे ना तो ठीक है वो वाला ऑब्जेक्टिव, लेकिन लैंस जैसा आदमी यार, उसको इतना लालच दिया, वो तो यार सस्ता जॉन सीना निकला। मतलब जॉन सीना कैसे हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, ठीक है जॉन सीना पे अच्छा लगता है, सबको यार ऐसे मत बनो यार, सामान यूज कर लो। हर एंगल में जा जाके स्टाइल मार ले रहा है रॉकी, मार ले भाई जल्दी जल्दी आएगा। रिवर्स कर दिया कोफी ने, ठीक है कोफी, सही है ठीक है। चैंपियन के साथ मैच हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। कोफी यहां से कूदने वाले हो क्या? अरे अभी तक एक भी फिनिशर नहीं आया भाई। दो बैरिकेड तोड़ना याद रखना, उसके बाद काउंट आउट से जीतना है। चलो बहुत मार लिया कोफी, हो गया। सिग्नेचर फिनिशर मत छीनना भाई, क्योंकि इसमें फिनिशर बहुत जरूरी है, दो दो फिनिशर लाना है इसमें। बैरिकेड फर्स्ट टाइम तोड़ेगा रॉकी आज। अरे भाई यार ये लोग रिवर्सल छीन लेते हैं यार, अब बहुत मार खाऊंगा मैं, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। अब पिटते हुए देखो भाई, ठीक है मार खाते हैं। और भाई जब तक मैं मार खा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो जिसने नहीं किया है, और नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि मैं जब भी वीडियोज डालूँ या लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोफी यार पटक पटक के मार रहा है यार, फाइनली रिवर्सल आ चुका है, लेकिन कोफी ने मार मार के अपने जितनी हेल्थ करी दी ऑलमोस्ट। और कोफी के पास भी सिग्नेचर आने ही वाला है, बड़ा मारा यार कोफी ने। चलो सिग्नेचर खाओ, अरे सिग्नेचर भी छीन लिया मेरा, ये गलत हो रहा है यार। एक तो दो दो फिनिशर लाना था, ऊपर से अभी से इनके पास फिनिशर आ गया, जिसको नहीं चाहिए था फिनिशर, इनके पास नहीं आना चाहिए था, कोफी के पास आ गया, मेरे पास नहीं है फिनिशर। चलो एक सिग्नेचर आ गया, सिग्नेचर देते हैं जल्दी से, छीन लिया फिर से, एक और सिग्नेचर छीन लिया मेरा,
क्या आदमी यार कोफी, मैंने बोला ना चैंपियन है, बहुत तकलीफ देने वाला है। हर मूव रिवर्स कर रहे, दो दो सिग्नेचर लगातार, अभी तक किसी ने नहीं छीना था। मिज ने चलो ठीक है मूव थिफ के टाइम पे दो फिनिशर, तीन फिनिशर छीन लिए थे, लेकिन ये लगातार इतना जल्दी जल्दी दोनों सिग्नेचर छीन लिया। कोफी अब ज्यादा हो रहा है, अभी तक एक भी बैरिकेड नहीं तोड़ा यार, कैसे तोड़ेंगे? ये सिग्नेचर ज्यादा सेफ है। शूटिंग स्टार प्रेस, अब बाहर आने का टाइम आ गया भाई। बिगी की साइड नहीं तोड़ सकते, वरना बिगी आके बार बार ग्रैपल करते रहेगा, या फिर हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी करवा दे। जीतना नहीं इस मैच में मकसद, इस मैच में जीतना तो है ही, लेकिन काउंट आउट से जीतना है। ठीक है एक बार देख लेते हैं, ट्रिगर बैरिकेड ब्रेकर ट्वाइस, हाँ ठीक है वही ऑब्जेक्टिव है। कोफी बाहर आ जाओ, दो बैरिकेड तोड़ना है, मतलब बैरिकेड ओएमजी देना है दो, और काउंट आउट से जीतना है। जेडन हट जा भाई, तेरे को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और अभी काउंट आउट से नहीं जीतना है जब दूसरा तोड़। अरे तू क्यों ग्रैपल कर रहा है यार, जब बोलूंगा तब आना, अभी जा और अपना अटायर चेंज कर यार, सूट नहीं कर रहा है, हम लोग दोनों अजीब टाइप के टैग टीम पार्टनर लग रहे हैं। इसका अटायर चेंज करो यार, ये लग रहा है अभी अभी निकल के आया NXT से, NXT से भी नहीं डायरेक्ट परफॉर्मेंस सेंटर से। यार NXT का तो फिर भी बहुत अच्छा अच्छा अटायर रहता है, ये लग रहा है परफॉर्मेंस सेंटर से अभी आया है डायरेक्ट। फाइव हो गया है, चलो एक बैरिकेड तोड़ दिया भाई, एक और तोड़ना है, और अभी गिनती चालू है, जल्दी से अंदर जाना है और फिर बाहर भी आना है, ताकि कोफी भी अभी काउंट आउट से हारे नहीं, वरना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। दो बैरिकेड तोड़ने के बाद काउंट आउट से जीतना है। चल भाई अंदर चल, जल्दी अंदर चल। एट हो गया, बाहर आ, अरे बाहर चल। नाइन हो गया, अरे जल्दी नीचे क्यों नहीं आ रहा है, नीचे दूसरे बटन से आता। ओ भाई 10 हो ही गया था, पता है रेफरी ने उंगली दिखा दी थी, लेकिन मैं कूद गया, वरना मैं जीत जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होता। चलो एक और बैरिकेड तोड़ना है, उसके बाद काउंट आउट से जीतना है भाई, क्योंकि अब अपने ऑब्जेक्टिव से भटक नहीं सकते हम लोग। जल्दी से एक सिग्नेचर आएगा, फिनिशर आएगा, डायरेक्ट बैरिकेड ही तोड़ूंगा मैं। रेफरी तैयार रहे गिनने के लिए, अभी नहीं, अभी देखा कितना जल्दी जल्दी गिना है, जब मैं बोलूंगा ना तब धीरे धीरे गिनेगा। सिग्नेचर ऑलमोस्ट आ ही गया है, कोफी के पास भी एक सिग्नेचर और एक फिनिशर है, वाह। पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, सिग्नेचर आ गया मेरे पास। डांस करने लगे कोफी, अब पक्का कुछ करने वाला है भाई, ये डांस ऐसे ही नहीं किया है। पब्लिक भी चिल्लाने लगी, अरे सिग्नेचर दे दिया यार कोफी ने। ट्रबल इन पैराडाइज के लिए मैं तैयार हूँ, पर ये कुछ और ही देने जा रहे थे। ठीक है चलो भाई, अब बाहर चलने का टाइम आ गया, इसी साइड बैरिकेड तोड़ूंगा, बिगी की साइड नहीं। ठीक है सिग्नेचर दे दिया, चलो भाई कोफी नीचे आ जाओ, या लेके चलूं कोफी को, दोनों ही सही है। कोफी चलो, अरे मुझे नीचे भेज देना यार, अंदर लेके, अरे अंदर क्यों लेके जा रहे हो यार, छोटा सा तो काम है, बैरिकेड तोड़ना है, काउंट आउट से जीतना है, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं हार जाऊंगा। काउंट आउट में अगर 9 पे या 8 पे अगर सामने वाले ने रिवर्स कर दिया और वो अंदर भाग गया, तो मैं हार सकता हूँ, चांसेस है इस बात के। ऐसे आइडियली तो 5-6 होने के बाद बैरिकेड तोड़ना चाहिए था, लेकिन मैं शुरू ही में तोड़ दूंगा, क्योंकि एक टेंशन खत्म होगी फिर। चलो ठीक है, दो बैरिकेड तोड़ दिया है, अब सिर्फ काउंट आउट से जीतना है। गिनती पे ध्यान देते रहो, कितना हो गया, गिनना जल्दी जल्दी, 3 हुआ है। कोफी पे अभी यहाँ पे नजर रखना होगा, किस्मत बस खराब ना हो, बिगी मत आना यहाँ। चलो ठीक है, अभी अभी इतना जल्दी ऊपर नहीं जाना, क्योंकि कोफी को होश आएगा, देखो आ गया ना, एक बार नीचे गिरा के जाऊंगा। 6 हो गया है, ठीक है चलो, अब लगता है जीत गया मैं, तो रेफरी थोड़ा जल्दी गिनना, 7, 8, 9, 10 करना जल्दी। अरे बुला क्यों रहा है यार, गिनना, अरे गिन यार, चीटिंग कर रहा है रेफरी। 8 हो गया, चलो जल्दी गिन, जल्दी गिन, कोफी को होश आने वाला है।
टेन कर दे रेफरी, पीट दूंगा तेरे को, जल्दी कर, टेन कर, अरे करना टेन। फाइनली दो बैरिकेड तोड़ दिया और कॉम्प्रोड से जीत गया हूँ, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, पता नहीं, मैं यही करना था ना, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाना। चलो देख लेते हैं, चैंपियन को हरा दिया, अरे हाँ ये तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे, चैंपियन को हरा दिया है, वन हाफ ऑफ द टैग टीम चैंपियन, देख लिया न्यू डे, रॉकी रॉक्स, न्यू डे रॉक्स नहीं, रॉकी रॉक्स, चलो ठीक है, न्यू डे शॉक्स, रॉकी रॉक्स, देखें ट्रिपल एच का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ कि नहीं। ओहो, मुस्कान की चमकान वापस से लौट आई है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। Enzo Amore versus John Cena, अच्छा ये करियर मोड में जॉन सीना भी रहेंगे, आगे इन्वॉल्व होंगे सीना भी। स्मैकडाउन में देखें भाई किसके साथ मैच है, 3-on-1 हैंडीकैप मैच, AJ Styles, Miz और Big E। भाई ऐसी क्या दुश्मनी थी मेरे साथ, इसमें क्या करना है, हाथ को लाल करना है, ठीक है, आसानी है, रैंकिंग 4 है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। पॉल हेमन चैलेंज अभी तो खुलेगा नहीं, देख लेते भाई, नंबर 1 कंटेंडर है डीन एम्ब्रोज और रोमन, ठीक है भाई, पॉल हेमन चैलेंज अभी खुलेगा नहीं, जब एक चैंपियनशिप जीत जाऊंगा उसके बाद खुलेगा। ओवरऑल मेरा 77 हो गया है, तो चलो भाई अब नेक्स्ट वीक इसका अगला एपिसोड आएगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय, वीडियो को लाइक कर लेना, नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।